एक्शन कर दीजिए ना, मैं भी लगा दूँ। हाँ आज पता चल रहा है। एक्शन जितना ही दूर है। मुझे हो गए 10 पकड़ो 10 और 10 और 11 तो मतलब हां तो मतलब 2008-09 से 10 से होगा कुछ दोनों चाइल्ड एक्टर। मैं तो तुम लोग को मतलब बचपन में मजा आती थी करने के लिए एक्टिंग की वो जस्ट डूइंग इट। नहीं नहीं मेरे लिए तो भाई समर कैंप था ये। हां एक्चुअली पढ़ाई समर रेनी विंटर कैंप के पढ़ाई से हम फ्री हो जाते थे। हां कह रहे इट वाज आवर प्लेग्राउंड बेसिकली है ना। मेरे लिए तो भाई मैं तो मजा आता था। हां क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि चाइल्ड एक्टर है तो उनके साथ ये होता होगा कि काम करवाते होंगे बट इन जनरल व्हेन यू आर शूटिंग विद अ चाइल्ड एक्टर ना इवन दे नो दैट दे हैव टू ट्रीट अस इन अ वे दैट वी आर किड्स एंड मतलब खेलते खेलते काम करवाना जो होता है ना वो था। हाँ तुम लोग के साथ गाली गलौच नहीं हुआ लाइफ में? वो शूटिंग इन महाबलेश्वर। अब वहाँ पे बहुत ठंड थी ऑब्वियसली और हम गए भी थे कुछ जनवरी दिसंबर के महीने में। सुबह 6:30-7 बजे हमको उठाया इन्होंने एंड पानी में रिवर में छोड़ दिया रिग वगैरह लगा के। वो सब सीन हुआ एंड उसके बाद आई फेल सिक। आई वाज नॉट एबल टू यू नो पुट एनर्जी इन द नेक्स्ट शॉट्स एंड एवरीथिंग। तो मेरा एक सीन शॉट था कि मैं ऐसे वो पत्थर के ऊपर से फ्रेम में आता हूँ और एकदम फुद्दू सा डायलॉग बोलता हूँ तो मुझसे नहीं हो पा रहा हूँ। तो हमारा जो डायरेक्टर था वो सिंधी और वो बहुत शॉर्ट टेम्पर था एंड उसने मुझे इतनी गंदी गाली दी है MC वाली BC वाली और दो दो तीन तीन मार दी एक बार भी नहीं। और ऐसे बच्चों को समझ में मतलब मुझको तो समझ में नहीं आता था कि मतलब गाली का उतना पता नहीं था क्योंकि मेरे घर पे वैसा नहीं होता था बट पहली बार ऐसा गंदी गालियां सुनना फ्रॉम अ डायरेक्टर जो सीनियर जिसको हम सर सर बुलाते हैं भाई तो वो था। बट फिर बाद में उसके बाद से टच वुड ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तुम दोनों के मेरे को स्पेशल गाइडेंस मिला है। जी जी बिल्कुल स्पेशल। तो तुमने इनके साथ नहीं किया है? नहीं। ताली का डब्बा थी क्या थे आप उसमें? द सेकंड लीड द फ्रेम पीछे क्राउड बैठा था। अच्छा डब्बी था। मैं जो मेन लीड था उसका दोस्त था हमारा। सो नाइस। वहां से आई स्टार्टेड माय करियर एंड देन डिड अ लॉट ऑफ सीरियल। ये हुए सीरियल क्या कौन सा? चंद्रशेखर आजाद जो स्टार भारत पे आई थी तो उसके कुछ 100 एपिसोड्स ही थे तो ज्यादा नहीं। लोगों को लगता है सीरियल वाले को 100 ही तो थे यू नो इट्स अ लॉट ऑफ एपिसोड लाइक देन नहीं एक्चुअली उससे ज्यादा में अग्रीमेंट जो साइन होते हैं वो 6-8 महीने के हो जाते हैं ना तो वो मैंने नहीं किया। 100 एपिसोड में से ऐसे देखिए मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है। रहने दीजिए। नहीं नहीं आपको नहीं रहने दीजिए खुद को बोली मैं। तो मैं अपनी कहानी शुरू कर देती हूँ। मतलब एक्शन अगर एक दिए तो दो तीन उसके बाद साइमल्टेनियसली बढ़ाते करो। दैट्स व्हाट आई डू। लाइक इन टर्म्स ऑफ अगर मोबाइल दिखा के कुछ दिखाना है उसको लेके कुछ एक्सप्रेशंस कर दिए कुछ खाने के रिएक्शन है पिज्जा के ऐड में तो उसमें ज्यादा रिएक्शन। पहले तो लोग क्या करते खा लेते इफ यू जनरली सी यू स्मेल इट फर्स्ट then you eat it. अच्छा and then you open your eyes and then you tell to your friends. मतलब एक process होता है एक stage होता है मतलब वही naturally जो आता है उसमें थोड़ा एक दो चीज layer add करके वही है। बाकी improvisation हम लोग set भी कर चुके हैं। बहुत अच्छा actor है और जैसे आपको USP चाहिए कि ये क्या करता है सर तो कभी इसका audition देखना ये करता है सारे मतलब सारे धागे खोल देता है। इसको चाहिए तो चाहिए इसके efforts हमें भी auditions आते थे मतलब देने के लिए स्क्रिप्ट आती थी। हम लोग ये सोचते थे कि हम यहाँ फोकस कर रहे हैं बट यहाँ फोकस करने के साथ साथ ये ऑडिशन देता था और टचवुड इसका हो भी जाता था और जैसे तैसे एक दो दिन निकाल के जाता था शूट करके। ऑडिशन से ज़्यादा रील भी बनवाता था मतलब बहुत कोलैबोरेशन चल रहा था इंस्टाग्राम के साथ। बहुत और ये हर जगह ध्यान सोशल मीडिया और इसकी टीम है पूरी। मेरी फर्स्ट एड है SBI की बहुत छोटा हूँ मैं। एक एड मैं बताता हूँ आपको वो तो उसको 3 साल बाद सबसे ज्यादा फेमस हुई था भाई वो स्ट्रॉ वाला स्ट्रॉ से चूसता था। यू आर द बॉस। मैं
कितने बार रेफरेंस दिया होगा उस एड का कि मुझे वैसा फील हो रहा है जैसे मेरे अंदर से आ जा रहा है. ओह माय गॉड, बिग फैन, फैन गर्ल हो गया मैं अभी, फैन मोमेंट हो रहा है मेरा अभी. इट्स सच अ एपिक एड, आई लव दैट एड. हेलो 65 की सारी टीम बोल रही है. हाय हाय अभिषेक. हाय अमन. जय, कैसे हो? बढ़िया. हाय हाय, क्या चल रहा है तुम दोनों का? हाउ आर यू? हेलो. व्हाइट चेक कर लो प्लीज. अनमोल को तो आगे ले लो, इस पे करने की जरूरत ही नहीं होती, खुद ही हो जाता है. क्योंकि एक फेज वो भी होता है जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार वी आर द किंग, बट मैं नहीं मानता हूँ दैट आई एम द किंग. मेरे जैसे और मेरे से बेहतर बहुत सारे लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जस्ट एक स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस हो और इसके आगे और भी चीजें रखी हुई हूँ मेरे लिए. एंड जैसे ये एक शो है वैसे और भी शो सुनते हैं. उन्होंने सबको इतनी क्रिएटिव लिबर्टी प्यार से अच्छे से दे दी, इवन इन वर्कशॉप्स एंड इवन ऑन सेट हम लोगों को बोलते थे. सो मेरी जर्नी 2004 से स्टार्ट हुई थी. मैं 4 साल का था और बेसिकली उसके पहले मैं बहुत सारे स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो मेरा क्या था ना कि आई थिंक सो इट इज़ अ गॉड्स गिफ्ट कि मेरी ना मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी है. मैं बहुत फटाफट चीज़ें याद कर लेता हूँ. इनसे मेरी जो बॉन्डिंग है ये क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग होगी पता है? बिकॉज आई ऑलरेडी नो हिज स्टोरी, आई ऑलरेडी नो हिज जर्नी. एक्टिंग का काम जो ढूंढने का जो प्रोसेस होता है वो सबने किया, वही प्रोसेस है. लेकिन जो एक्सपेक्टर था या जो मेरे को जो थोड़ा सा हाँ जो प्रॉब्लम आ रही थी इन चीज़ों में वो ये था कि रहना, खाना और उस एज में माँ बाप से दूर दूर रहना. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे.